हेलो एवरीवन, आज का हमारा फिजिक्स क्लास 12th का जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया जाता है तो उसका किस तरह से बिहेवियर होता है, उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है तो किस कंडीशन में करता है, अगर फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा तो फिर किस कंडीशन में नहीं होता है, ये सब कुछ देखेंगे हम। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से पहले मैं आपको एक बेसिक सा फंडा बता देती हूँ इसका कि किस तरह से होता है। जैसे देखिए, हमारे पास कोई भी नदी है, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम है, आप कैनाल पे गए हो, रिवर पे गए हो, कहीं पे भी हो, इसकी कैनाल इस तरह से फ्लो कर रहा है, इसमें जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो जब आप इसमें क्या करते हो, स्विमिंग करते हो, जब आप क्या करते हो, स्विमिंग करते हो इसमें, तो आपके लिए स्विमिंग करना इजी कब होता है, जब आप इसी डायरेक्शन में स्विम करें, ठीक है। अगर आप ऐसे जाओगे तब भी आपको क्या मिलता है, कुछ ना कुछ ये स्ट्रीम आपके इसके ऊपर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी ताकि आप इस डायरेक्शन में आ जाओ, आपको इस डायरेक्शन में खींचने के लिए, ठीक है। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो फिर भी वो आपके ऊपर फोर्स लगेगी ताकि आप इस डायरेक्शन में आ जाइए, आप ऐसे जा रहे हो तब भी और ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना आप एंगल को बढ़ाते जाओगे, आप बिल्कुल ओपोजिट हो जाओगे तो फिर आपके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगता है ताकि आप इस डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है। और इस केस में आपकी कंडीशन क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, आपके लिए ट्रेवल करना या स्विमिंग करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो इसी तरह से जैसे आप किसी भी नदी में ट्रैवल करते हो और जब आप नदी की धारा के साथ जाओगे तो आपके ऊपर फोर्स जीरो लगेगा, और अगर आप उसके अगेंस्ट जाना शुरू कर दोगे कुछ भी एंगल बना के तो फिर आपके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो आपको ऐसे घुमाती है और इसकी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करती है। एज इट इज जब हमारा कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, सेम इसी तरह से। तो सपोज कीजिए मैंने ये कोई क्या ले लिया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे आपकी नदी की धारा थी एज इट इज, उस नदी की जगह पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स है, ठीक है, ये ऐसे ट्रेवल कर रही है और यहां पर कोई डायपोल प्रेजेंट है इस तरीके से, तो ये डायपोल के ऊपर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और ये डायपोल की होगी डायपोल लेंथ 2a के इक्वल होती है, ठीक है। तो अब ये डायपोल क्या है, इसके साथ ये स्ट्रीम तो ऐसे जा रही है और डायपोल ऐसे प्रेजेंट है, तो इस डायपोल को क्या चाहिएगी ये स्ट्रीम, अपनी लाइन में लेके आना चाहेगी, जैसे वो स्ट्रीम आपको इस अपनी लाइन में लाने की कोशिश कर रही थी ना, एज इट इज ये स्ट्रीम क्या चाहेगी, ये डायपोल इसकी लेंथ में आ जाए, ठीक है, इसी की लाइन में आ जाए, तो उसके लिए ये क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। अब सपोज क्या, ये माइनस क्यू चार्ज है तो इस पॉइंट पे कुछ फोर्स लगेगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो इस पॉइंट पे भी क्या करेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना लगा, पहले माइनस क्यू चार्ज पे देखते हैं। तो देखिए, हमें क्या पता है इंटेंसिटी के केस में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऐसे जा रही है, तो इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू के इक्वल होती है। यहां से फोर्स निकाले तो फोर्स क्या हो रहा है, E इंटू क्यू बन रहा है, ये बन गया फोर्स E इंटू क्यू, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज पे निकाल रही तो माइनस क्यू इंटू ई हो जाएगा, फिर सेम मैं फोर्स निकाल रही हूं इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज पे, तो प्लस क्यू के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे फोर्स ये वाला आ गया, इस पॉइंट पे ये फोर्स आ गया, ये इक्वेशन वन, ये होगी इक्वेशन टू। अब एक डायपोल पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो जब बात करते हैं हम टोटल फोर्स की, जो टोटल फोर्स किस पे लगा, डायपोल पे, इसी फोर्स को मैं दूसरा नाम क्या दे सकती हूँ, नेट फोर्स, ठीक है। तो जो टोटल या नेट फोर्स है ये किसके इक्वल होता है, पहला फोर्स प्लस में दूसरा फोर्स, पहला फोर्स क्या था माइनस क्यू ई, प्लस में दूसरा फोर्स क्या था प्लस क्यू ई, है ना, दोनों क्या हो रहे कैंसल आउट, तो इक्वल टू क्या बच गया, जीरो, है ना। तो जब भी हम बात करते हैं कि कोई डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उसके जो पॉइंट है, उसके जो चार्ज पॉइंट है, उनके ऊपर फोर्स लगेगा। ये फोर्स कैसा है, देखिए ये क्यू ई, ये भी क्यू ई, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में, तो मैग्नीट्यूड में सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगी, दोनों फोर्सेस की ओपोजिट होगी। अगर ये वाला की डायरेक्शन ऐसे है,
तो इस वाले की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, ठीक है। और इसीलिए जो नेट फोर्स होगा डायपोल का फील्ड के अंदर, जब टोटल फोर्स की बात करें तो टोटल फोर्स किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। हर एक कंडीशन आपने एक एक दो दो नंबर क्वेश्चन के लिए याद रखनी है, ठीक है। तो टोटल फोर्स क्या आ गया, जीरो आएगा। इंडिविजुअल फोर्सेज है इक्वल मैग्नीट्यूड के बट ओपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए टोटल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो अब यू टोटल फोर्स जीरो है, इंडिविजुअल फोर्सेज तो जीरो नहीं है ना, इंडिविजुअल तो उल्टी डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब ये इस सिरे को ऊपर ले जाना चाहता है, ये क्या चाहता है, ये नीचे है, तो ये डायपोल क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा, है ना। यहां से ये डायपोल ऐसे मूव करेगा और इसकी लाइन में आ जाएगा, ऐसे ही होगा। तो इन दो फोर्सेज की वजह से ये डायपोल क्या करेगा, मूव करेगा, मोशन में आएगा। जब ये मूव करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसका टॉर्क। तो ऐसे इस तरह से ऐसे मूव करेगा ना, और यहां से ये ऐसे जाएगा, तो दैट इज टॉर्क। तो इसके ऊपर क्या एग्जर्ट होगा, एक टॉर्क एग्जर्ट होगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ। इस तरह से बनाते हैं, टी को थोड़ा सा रोटेट कर दो, टाउ। तो ये जो टॉर्क होगा टाउ, दैट इज इक्वल टू है क्या, एक रोटेशनल फोर्स है। कैसा फोर्स है, रोटेशनल फोर्स है, ठीक है। एक रोटेशनल फोर्स है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टाउ, कि एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से ये डायपोल क्या कर रहा है, रोटेट करना शुरू कर देगा, उसी को हम टॉर्क बोल रहे हैं। तो ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क किसके इक्वल हुआ, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, इसके ऊपर फोर्स लगा, इनटू में इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस डायपोल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या होता है, टॉर्क फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टॉर्क क्या है हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या था इस फील्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या बन रहा था, ये लेंथ थी 2a, ऐसे थी ये, तो और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ 90 डिग्री के साथ जो जाए वो ये वाली लाइन है, ठीक है। तो इस ये लाइन का कंपोनेंट कौन सा, 2a का साइन कंपोनेंट, तो ये क्या हो गया, 2a साइन थीटा, है ना, 2a साइन थीटा कंपोनेंट हो गया ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस वाले डायपोल का। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया, 2a साइन थीटा। यहां तक समझ में आया। अब देखिए टॉर्क निकालना है, सो टाउ इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू हम पुट करते हैं। फोर्स क्या था हमारे पास, जब हमने बात की थी अभी, फोर्स कैलकुलेट किया था ना अलग अलग पॉइंट के ऊपर, प्लस चार्ज के ऊपर निकाला तो कुछ निकला था, माइनस चार्ज पे निकाला तो कुछ और निकला था, ठीक है। तो किसी भी चार्ज का ले सकते हैं, हम क्यू इंटू ई रखेंगे क्योंकि हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, क्यू इंटू ई इंटू में 2a साइन थीटा, ये फोर्स की वैल्यू पुट कर दे। यहां से q और 2a को एक साथ कर लेते, q इंटू में 2a, बाहर क्या बचा, e साइन थीटा, ये यहां पे रह गया, q इंटू 2a, q इज द चार्ज, चार्ज मल्टीप्लाई 2a इज द डायपोल लेंथ, डायपोल की लेंथ थी ना, तो डायपोल लेंथ, चार्ज इंटू डायपोल लेंथ किसके इक्वल था, मोमेंटम के इक्वल, जो हमने अभी पीछे टॉपिक में पढ़ा था पहले, ठीक है। ये क्या था, डायपोल मोमेंट था, चार्ज इंटू डायपोल लेंथ। तो इसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो टाउ इज इक्वल टू, इस पूरे के प्लेस पे मैंने रख दिया पी, बाहर बच गया ई साइन थीटा एज इट इज, दैट इज द टॉर्क, ठीक है। ये निकल गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला, कि टॉर्क कितना अप्लाई होगा जिसकी वजह से वो रोटेट करके क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में आ जाएगा, ताकि उसके ऊपर कोई ओपोजिशन ना हो और वो आराम से ट्रेवल कर सके। अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस बनाते हैं, स्पेशल केसेस कैसे बनेंगे, देखिए थीटा के बेस पे, अगर थीटा इज इक्वल टू मैं जीरो डिग्री रख लूं तो क्या होगा, ये लाइन में स्ट्रीम है, इस तरह से ये लाइन जो फोर्स है इंटेंसिटी, इसी डायरेक्शन में क्या हो जाए, डायपोल आ जाए, तो डायपोल का मोमेंटम क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों क्या है एक ही लाइन में, ये भी इसी तरफ है ये भी इसी तरफ है, तो दोनों के, ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, जीरो डिग्री। जब दोनों में एंगल जीरो बन रहा है तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, जीरो डिग्री, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो पूरा क्या हो गया, जीरो के इक्वल, सो टाउ इज इक्वल टू जीरो। जब ये दोनों एक ही लाइन में है तो क्या डायपोल को रोटेट करने की जरूरत है, नहीं है। जब आप धारा के साथ ही चल रहे हो तो क्या धारा आपके ऊपर ओपोजिशन लगाएगी, बल्कि आपकी स्पीड को बढ़ा रही है चलने में, है ना, तो इसलिए इसको भी रोटेट करने की जरूरत नहीं है। और जब ये रोटेट ही नहीं होगा तो टॉर्क क्या था, रोटेशनल ही तो था, रोटेशन के लिए तो था, तो टॉर्क भी क्या हो गया, जीरो हो गया।
सिमिलरली अगर ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ये ई है हमारी इस डायरेक्शन में और अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, थीटा को 90 डिग्री, थीटा 90 है तो डायपोल कैसे प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है ना, तो डायपोल का तो डायपोल तो ये है और ये लाइन ये है तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। सेम टाउ क्या था हमारे पास, पी ई साइन थीटा, थीटा की जगह क्या पुट करना है 90 डिग्री, सो पी ई साइन 90 डिग्री, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, साइन 90 क्या होता है 1 होता है ना, 1 होता है तो हटा दो उसको, पी ई के इक्वल आ गया, तो दिस केस में क्या आ रहा है मैक्सिमम टॉर्क, सबसे ज्यादा ओपोजिशन इसको मिल रही है इस केस में और ये क्या चाह रहा है कि ये रोटेट करेगा जितना जल्दी हो सके, ये स्ट्रीम इसको रोटेट करके अपने लाइन में लेके आएगी, ठीक है, तो मैक्सिमम रोटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगाएगी। आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स अगर हमें कैलकुलेट करनी हो, देखिए हमें क्या निकालनी हो, इसी डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो किस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, विद इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हुए जो अभी हमने कंसीडर किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने ऐसे कंसीडर किया था, उसमें डायपोल हमारा ऐसे प्रेजेंट था, ठीक है, जिस ये डायपोल के अंदर क्या हो रहा था, एक टॉर्क लग रहा था जिसकी वजह से ये रोटेट करके क्या करेगा, इसकी लाइन में आएगा, तो इसके अंदर जब ये रोटेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो इसका मतलब वर्क डन कर रहा है, और हमें क्या पता है एनर्जी क्या होती है, एक टाइप का वर्क डन ही होती है, तो एनर्जी याद रखना, एनर्जी एंड वर्क डन दोनों क्या होती है, अल्टरनेट क्वांटिटीज होती है, जहां पर वर्क डन हुआ है इसका मतलब उस चीज में एनर्जी थी, अगर वर्क डन नहीं हुआ इसका मतलब एनर्जी नहीं थी, और जिसके पास एनर्जी है वो काम कर सकता है, ठीक है, दोनों क्या है सिमिलर क्वांटिटीज है, ये है तो इसका मतलब ये भी है और ये है तभी ये हो रहा है, तो हम यहाँ पे अगर वर्क डन कैलकुलेट कर दें तो इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी अपने आप ही निकल जाएगी, तो यहाँ पे देखिए वर्क डन निकाल रहे हैं, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन अगर हमें थोड़ा सा वर्क डन होगा, अगर ये छोटे एंगल पे प्रेजेंट है तो कम ही वर्क डन होगा, ऑलरेडी ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सपोज किया इस थीटा वन एंगल पे प्रेजेंट है, इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है थीटा वन एंगल पे प्रेजेंट है, अब ये रोटेट करके ऐसे आएगा इसकी लाइन में तो कितना एंगल में, ये चीज नीचे आ जाएगी ये ऊपर, तो ये इतना एंगल ट्रेवल करेगा यहां से यहां तक का, ये चीज फिर नीचे आ जाएगी ये चली जाएगी ऊपर, तो कितना एंगल हुआ थीटा टू एंगल, थीटा वन पे है थीटा टू पे आते ही ये क्या हो जाएगा इसकी लाइन में आ जाएगा, तो हुआ क्या वर्क डन, वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां तो ये फोर्स की वजह से तो रोटेट नहीं कर रहा ना, फोर्स की वजह से क्या आ रहा है इसमें टॉर्क आ रहा है, और इस टॉर्क की वजह से क्या कर रहा है ये रोटेट कर रहा है, तो यहां पे मैं फोर्स की बजाय क्या लिखूंगी टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब इसकी डिस्प्लेसमेंट किसके विद रिस्पेक्ट हो रही है, इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट, तो कैसी डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डी डब्ल्यू जो वर्क डन था दैट इज इक्वल टू टॉर्क मान लिया टाउ है इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी डी थीटा मान लिया हमने, ठीक है, ऑलरेडी थीटा वन है थीटा टू पे आना है उसको, तो डी थीटा थोड़ा सा एंगल उसको ट्रेवल करना है, इतना एंगल उसको ट्रेवल करते हुए यहां पे आ जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, अब टॉर्क की वैल्यू पुट कर देते हैं, टॉर्क किसके इक्वल था पी ई साइन थीटा के इक्वल था, बाहर डी थीटा एज इट इज, अब हमें निकालना, ये तो हो गया स्मॉल वर्क डन, एक थोड़ा सा वर्क डन उसको चाहिए जिसकी वजह से वो रोटेट करके क्या करेगा उस स्ट्रीम की लाइन में आ जाएगा, लेकिन टोटल वर्क डन निकालना चाहे तो टोटल वर्क डन कैसे निकाले, कि टोटल कितना करना पड़ा उसे, तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, पहले जो एंगल था वहां से दूसरे एंगल तक, तो क्योंकि टोटल तो इतना ही हो रहा है ना, तो फर्स्ट एंगल से सेकेंड एंगल तक थीटा वन से थीटा टू तक क्या आ गया पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई इज द कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, टर्म को बाहर लिख देंगे, इस पी ई को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बन गया, अंदर बन, आगे कर लेते हैं, चलिए देखिए
पी ई को हमने क्या करना है, इक्वेशन थी हमारे पास क्या कि जो डी डब्ल्यू है दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई, पी ई साइन थीटा इंटू में पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसी का इंटीग्रेट कर रहे थे, ये टर्म थी। तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया है, पी ई को बाहर ले लेते हैं, साइन थीटा डी थीटा बन जाता है, कहां से कहां तक, थीटा वन से थीटा टू तक। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेट करेंगे, साइन थीटा का क्या बनता है, माइनस कोस थीटा बन जाता है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, कहां से कहां तक है, थीटा वन से थीटा टू तक, बाहर पी ई एज इट इज, ये हो गया वर्क डन। वैल्यू पुट करते हैं, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा, पी ई माइनस साइन को बाहर रख लिया, कोस थीटा टू, एक बार अपर लिमिट पुट कर दी थीटा के प्लेस पे, एक बार लोअर पुट करते हैं, कोस थीटा वन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, ये निकला वर्क डन। अगर ये टोटल वर्क डन, इसका मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी इतनी होगी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसी के इक्वल आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो गई, यू से मैं इसको डिनोट कर सकती हूँ, इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अगर इन दोनों के डिफरेंस को मैं कॉस थीटा मान लूं, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को क्या मान ले, कॉस थीटा, तो फिर क्या लिख सकते हैं, दैट यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। आई होप सबको समझ आया होगा, ठीक है, रिलेट करके पढ़ना है, जैसे आप एक स्ट्रीम में ट्रेवल करते हैं, एज इट इज डायपोल क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रीम पे पढ़ा है, उस पर भी क्या लगेगा, दो फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, एक बार रिवाइज करा देती हूँ, देखिए उस पर भी क्या हुए, दो फोर्स एग्जर्ट हुए हैं, जब उसके डायपोल के ऊपर दो फोर्स लगे तो उन फोर्सेज की वजह से डायपोल के अंदर क्या हुई, मूवमेंट होगी, एक फोर्स इस पॉइंट पे लगा, एक फोर्स इस पॉइंट पे, उसकी वजह से ये ऐसे रोटेट करेगा, जब ये रोटेट करेगा तो उस रोटेशन को हम क्या बोल रहे हैं, किसकी वजह से, टॉर्क, इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगे, एक फोर्स इस एंड पे एक फोर्स इस एंड पे, इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से उसमें क्या डेवलप होता है, टॉर्क, जिसकी वजह से वो रोटेट करेगा और इस स्ट्रीम की लाइन में आ जाएगा, ठीक है, और जब ये रोटेट करेगा तो कुछ वर्क डन करेगा और उसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली हम टॉर्क की इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाली थी, टॉर्क की इक्वेशन भी इसी फॉर्म में निकलेगी, ठीक है, तो टॉर्क की इक्वेशन क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इसके ऊपर बन रहा है, ये इसका डिस्टेंस क्या 2a, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बना, 2a साइन थीटा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।